राजधानी भोपाल में मंत्रालय के सामने स्थित झुग्गी बस्ती भीमनगर में बड़ी विभत्स घटना सामने आई है। 2 महीने से बेरोजगार एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद और आर्थिक तंगी से परेशान होकर पत्नी और बेटी की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि दूसरे कमरे में सो रहा बेटा जिंदा बच गया है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ADCP जोन 2 राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि धनुलाल प्रजापति 45 वर्ष, पत्नी मंजू 38 वर्ष, खुशी 13 वर्ष और बेटे के साथ मंत्रालय के सामने झुग्गी बस्ती में रहता था। वह कारपेंटर का कार्य करता था। बीते 2 महीने से वह बेरोजगार था, जहां शनिवार की सुबह उसका दूसरे कमरे में सो रहा बेटा जगा तो देखा कि जिस कमरे में माता पिता रहते हैं वह अंदर से बंद है। दोपहर तक उसने इंतजार किया, इसके बाद पड़ोसियों के साथ मिलकर दरवाजा खोला तो देखा कि पिता फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। उसकी माँ मंजू और बहन खुशी की लाश कमरे में पड़ी हुई है। भदौरिया ने बताया कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पड़ताल की तो सामने आया कि धनुलाल प्रजापति ने ही अपनी पत्नी और बेटी की हत्या के बाद देर रात फांसी लगाई। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने बताया कि मृतक के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ के बाद सामने आया है कि वह 2 महीने से बेरोजगार था। वह नशा करता था। नशे के कारण पहले भी उसका पत्नी के साथ विवाद होता रहता था। आशंका है कि बीती रात भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।